पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। महबूबा ने कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी पर बैन लगाना चाहती है क्योंकि वो लगातार आवाज उठा रही हैं। महबूबा ने यह भी कहा कि भाजपा अपना ही एक तंत्र स्थापित करना चाहती है जहां लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होगा। महबूबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुसलमानों को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग व देशद्रोही कहते हैं।